करनाल के इंद्री के समीप तुसंग हेड नहर में एक युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल अभी युवक के मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि लाखन की माता ने सूचना दी थी कि उनका लड़का घर से गायब हो गया है, जिसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए आज लाखन की डेड बॉडी को इंद्री के समीप तुसंग हेड से बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी हाउस में भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिजनों के बयान को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही मृतक के परिजन जर्नैल सिंह ने बताया कि लाखन अपने घर से पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गया था, परंतु वापिस ही नहीं आया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। इसके बाद आज लखन की डेड बॉडी नहर से मिली है। इस हादसे से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। लाखन अपने पीछे एक बच्चे को भी छोड़ गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इस हादसे से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दो हजार इक्कीस को सुबह उसकी माता ने सूचना दी थी कि मेरा लड़का 30 तारीख को लाखन 30 तारीख को घर भैंसों के लिए चारा लेने गया था, वापिस नहीं आया। जिस संबंध में हमने उसका गुमशुदगी का पर्चा दर्ज कर लिया है, जांच चल रही है। आज उसकी डेड बॉडी मिली है पोस्टमार्टम के बाद। कहाँ से मिली है? ये तुसंग नहर हेड से मिली है। किस जगह पड़ती है ये? तुसंग पड़ती है इधर, तुसंग इंद्री थाना, इंद्री थाना के एरिया में पड़ती है। क्या कार्रवाई की जा रही है? इसकी पोस्टमार्टम करके पता चलेगा। इसकी कोई शक है, कोई मर्डर या कैसे? फिलहाल जांच जारी है, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट नहीं। 174 में कार्रवाई की जाए? हाँ, 174 की कार्रवाई की जाए। के लिए चारा लेने के लिए गया है जी, 30 तारीख को गया है और वापसी नहीं आया। हमने शाम तक देखा कि वापसी नहीं आया, फिर हमने जांच पड़ताल की, नहीं मिला। हमने इसके फ़ोन नंबर मिल के भी हेड वगैरह फिर दे रखे थे, और मिल के 200 किलोमीटर दूर तक हम घूमते फिर रहे हैं जी। दो को हमने मिल के भी पुलिस थाने में तला दी, उसकी माँ ने दी, तो फिर मिल के भी आज सुबह मिल के भी हमको वहाँ संग और हेड से पता मिला कि बॉडी एक आई है कि पहचान लो। हमने जाके सुबह मिल के पहचानी, पुलिस में हमने मिलकर खबर करी, पुलिस तुरंत आके कार्रवाई। कितनी उम्र का है लड़का, क्या नाम? लगभग 20-22 साल का है जी। क्या नाम है इसका? लाखन है जी। कोई झगड़ा है? क्या काम करता था? मेहनत मजदूरी करता था जी। अच्छा, कोई झगड़ा झगड़ा था? कोई झगड़ा नहीं था। अच्छा, तो क्या लगता है इसने खुद नहर में छलांग मारी है? अब जी, अब इसके बारे में हम कह नहीं सकते जी, हमारे आँखों देखी कोई वैसी बात नहीं। बहुत शरीर पे कोई चोट के निशान है? अभी शरीर के चोट के निशान में नहीं है जी। शादीशुदा था ये? शादीशुदा था जी। अपने आप ही नहर में कूदा है? अपने आप ही कूदा है जी, मतलब कि भी कुछ पता नहीं। क्या चाहोगे, जांच होनी चाहिए या कोई? जांच तो कर रहे हैं जी, देखते हैं जो डॉक्टर लोग बताते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जर्नैल सिंह है जी। कहाँ से हो? अंडेरा हलवाना जी, गाँव बीबी ब्राह्मणा डेरा हलवाना, तहसील इंद्री। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie here. Incredible marriage palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.